बदनावर में उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिससे क्षेत्र में विकास के साथ ही रोजगार भी मिलेगा। बदनावर की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, हमारा यही प्रयास है कि क्षेत्र का समुचित विकास हो। ये बात ग्राम संदला में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन और विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कही। दत्तीगांव ने कहा कि संगठन किसे कहते हैं ये गत दिनों में ही समझा है, उपचुनाव भी संगठन ही लड़ रहा है। गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठा वचन पत्र जनता को देकर उनके साथ धोखा किया है। अब बदनावर का मान सम्मान पूरे प्रदेश में बड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार के काफी अवसर हैं, भूमि भी पर्याप्त है। ऐसे में बड़े उद्योग प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से क्षेत्र के किसानों की उपज यही और उचित दामों पर बिक सकेगी। बड़ी कंपनियों का निवेश क्षेत्र में हो सकेगा। पहला उद्योग बदनावर में ही डलेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी, मनोज सोमानी, राजेश अग्रवाल, सुषमा पाठक, महेंद्र सिंह शेखावत, ईश्वरलाल पाटीदार, अशोक सोनी, दिनेश गिरवाल, रमेश चंद्र यादव, सुभाष चंद्र ढोका आदि लोग मंचासीन थे। बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। आप सही मायने में बात हो रहा होने वाला है, वीडियो देख रहे हैं आप, कल्पना नहीं कर सकते क्या यहां पे आप कल्पना नहीं। अगर आप और हम साथ मिलकर काम करेंगे, पूरी व्यवस्था सबके लिए सब कुछ, और इसलिए मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंचाई के अवसर नर्मदा के माध्यम से कोशिश कर रहे पूरी विधानसभा जोड़ने का प्रयास करने का काशी बड़ौदा तक का कुछ अंश अगर छूटा भी है इस सर्वे में, उसका फेस टू हम लेके आए, उनको भी जोड़ेंगे। मैं गर्म दूध दिया होगी, ये बहुत आवश्यक हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, इसलिए इन तमाम चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैं आप सभी का अत्यंत आभारी हूँ और मैं ये आशा रखता हूँ कि हम सब मिलकर बदनावर के विकास और प्रगति के लिए जुट रहेंगे और समय अनुसार चांदला पट्टी की बात करें तो हम आपको फिर दो बड़ी योजनाएं वहाँ पर देने वाले हैं। वहाँ पर हम आपको घरेलू जरूरत देने वाले हैं। मुंगेला डिपेंडिंग है, जोआवदा भी आने वाली है, बोरदा का एक बड़ी योजना है आपकी लंबित, तो तमाम सारी योजनाएं हैं, समय के साथ हम पूरी करेंगे और मैं तो कोशिश करूंगा कि अभी तत्काल जो हो सके